नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ मकर लगन व मकर राशि के जातकों के लिए वक्री गुरु का प्रभाव। देव गुरु बृहस्पति 29 जुलाई 2022 को वक्री होने जा रहे हैं और वह 24 नवंबर 2022 तक वक्री ही रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति के वक्री रहने का प्रभाव मकर लगन व मकर राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। ये पूरे साल में हमेशा ये होता है कि पहले ग्रह राशि बदलता है, उसके बाद ग्रह वक्री होता है, उसके बाद फिर मार्गी होता है। पर वक्री होने का भी अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि वक्री होने के बाद ग्रह बहुत बली हो जाता है। जैसे कहते हैं, जैसे अभी 5 जून 2022 को शनि महाराज जो अभी इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं वो वक्री हो गए हैं और वो 25 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे। इसके साथ साथ अभी 29 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, वो भी 24 नवंबर 2022 तक वक्री रहेंगे, उसके बाद जाके मार्गी होंगे। तो ये जब गुरु और शनि दोनों वक्री हो गए तो इससे इनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। इनका प्रभाव बढ़ने से क्या हुआ कि कई बार होता है कि हमें अच्छा गोचर भी मिल जाता है लेकिन हमारे काम नहीं हो रहे होते, लेकिन जैसे ही ग्रह वक्री हो जाता है तो ग्रह का प्रभाव कुंडली में ज्यादा बढ़ जाता है। और वो ग्रह अगर आपकी कुंडली के लिए बहुत अधिक पॉजिटिव है और आपकी कुंडली के पॉजिटिव भावों से संबंध रख रहा है तो ऐसी स्थिति में वो ग्रह वक्री होते ही आपका फौरन काम करा देता है। यही स्थिति मकर लगन व मकर राशि के लिए है कि देव गुरु बृहस्पति जो है अभी अप्रैल 2022 से मीन राशि में तीसरे भाव में चल रहे थे, लेकिन जैसे ही देव गुरु बृहस्पति वक्री होंगे वो दूसरे भाव का फल देने लगेंगे। वो दूसरे भाव से उनकी दृष्टि दशम भाव पर हो जाएगी और शनि महाराज जो 5 जून से वक्री है उनकी दृष्टि दशम भाव पर है। यानी मकर लगन व मकर राशि के जातक वो भाग्यशाली जातक हैं कि जिनकी 7.5 तो चल रही है लेकिन देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज दोनों का आशीर्वाद है कि दोनों ही ग्रह उनके दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। कहते हैं कुंडली में अगर आपकी कुंडली में गोचर में ग्रह दशम भाव को प्रभावित कर रहे होते हैं और उनका संबंध आपकी कुंडली के दशमेश से भी बन रहा होता है, बाई चांस आपकी कुंडली का दशमेश शुक्र भी यहाँ बैठा हो या किसी प्रकार से आपकी कुंडली के दशमेश शुक्र से गुरु व शनि का गोचर का प्रभाव बन रहा होगा, तो नेचुरली ये मकर लगन व मकर राशि के लिए कैरियर में बहुत अधिक आगे बढ़ने का समय है। ये वो महत्वपूर्ण समय है जब आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। आपके पास जॉब नहीं थी, आपको जॉब मिल सकती है। आप अपनी वर्तमान जॉब को बदलना चाहते थे तो आपको बेटर ऑप्शन मिल सकता है। आप अगर अपनी प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे तो प्रयास करिए। जब तक गुरु 24 नवंबर 2022 तक वक्री रहेंगे, गुरु आपके लिए काफी पॉजिटिव है, आपको नए नए ऑप्शन मिलेंगे और आपकी प्रमोशन का प्रयास भी काफी हद तक सफल हो सकता है। गुरु का वक्री होना मकर लगन व मकर राशि के जातकों के लिए 7.5 में राहत है। कहते हैं 7.5 में राहत सबसे बड़ी तब मानी जाती है जब देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ जाता है। वक्री होते गुरु बली हो जाएंगे, जहां वो जिस भाव में बैठे थे और जिन भावों को देख रहे थे उनसे डबल इफेक्ट देना शुरू कर देंगे। पहले उनकी 3 दृष्टियां थी और 1 भाव में बैठे थे, यानी 4 भावों को प्रभावित कर रहे थे। अब वो बाकी 3 भावों को और प्रभावित करेंगे, यानी 4 की जगह वो 7 भावों को प्रभावित करेंगे, तो गुरु आपके बहुत पॉजिटिविटी फैलाएंगे और आपको 7.5 में राहत मिलेगी। फाइनेंस की बात करें तो गुरु जो कि स्वयं धन के कारक ग्रह हैं, क्योंकि कुंडली में अगर हम धन की बात करते हैं तो सबसे पहले गुरु की पोजीशन देखी जाती है। अगर गुरु आपकी कुंडली के लगन से या धन भाव से या लाभ भाव से संबंध कर रहे हैं तो वो आपको उस अवधि में धन का लाभ देंगे। गुरु इस समय मीन में चल रहे हैं, उनका आपका लाभ भाव से संबंध है। आप गुरु वक्री होकर आपके धन भाव से भी संबंध करेंगे तो मकर लगन व मकर राशि के लिए फाइनेंस के हिसाब से 29 जुलाई से 24 नवंबर 2022 तक का समय काफी अच्छा है। आपको धन से जुड़े मामलों में बिल्कुल निराशा नहीं होगी और बाई चांस आपकी दशाएं भी ऐसे ग्रहों की हुई जिनका आपके धन से जुड़े मामलों से संबंध है, यानी मंगल की या शनि की दशाएं अंदर चल रही होगी, तो आपको और अधिक लाभ होगा। व्यापारी वर्ग अगर इस समय अवधि में कोई नया निवेश करता है तो उनके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति रहेगी। उनको नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना है। जो विदेश यात्रा जाना चाहते हैं उनके लिए विदेश जाने का समय अच्छा है। मेरा यह मानना है कि अगर आप मकर लगन व मकर राशि के जातक हैं और वर्ष 2022 में आपने कुछ यह सोचा हुआ था कि हमें इस 2022 में कोई महत्वपूर्ण काम करना है, तो मेरा मानना है कि वो आपका महत्वपूर्ण काम करने का समय वर्ष 2022 का ये आ गया है। इस समय आप महत्वपूर्ण काम का निर्णय ले सकते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो गुरु जब वक्री हो जाएंगे तो गुरु की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर भी होगी और गुरु की दृष्टि दशम भाव पर भी होगी, तो कोर्ट से जुड़े मामलों में आपको राहत मिलेगी। गुरु की दृष्टि आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पर भी है, तो लंबे समय से कोई आपकी इच्छा थी तो उसकी पूर्ति हो सकती है।
तो मेरा यह मानना है कि मकर लगन व मकर राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का 29 जुलाई से वक्री होना बहुत अधिक शुभ फल देगा। और 5 जून 2022 से जो शनि महाराज वक्री चल रहे थे, उनकी अगर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपको आई भी होगी तो वो नेगेटिविटी काफी हद तक देव गुरु बृहस्पति आते ही खत्म कर देंगे, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही वक्री होकर आपके दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो दोनों ही आपके कैरियर में आगे बढ़ने में आपको सहयोग देंगे और ये आपके लिए कैरियर में कोई महत्वपूर्ण काम करने का समय है। अगर आपकी दशाएं भी पॉजिटिव हुई तो आपको और भी अधिक बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि मकर लगन और मकर राशि के लिए वक्री गुरु का 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक का समय एक महत्वपूर्ण समय है, जो आपके लिए लाभ का समय है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।